टीचिंग बैच ने जो आदेश दिया था उसमें सारी चीजें स्पष्ट कर दी गई हैं, दिल्ली में सरकार कैसे चलेगी, दिल्ली में संवैधानिक स्थिति क्या है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उसके बावजूद ऑफिसर्स ने उस आदेश को मानने से मना कर दिया है। हमें आश्चर्य हो रहा है कि अगर देश में लोकतंत्र है और अगर लोकतंत्र में अदालतों के आदेश इस तरह से ऑफिसर्स मानने से मना करेंगे, ऑफिसर्स से इस तरह से मानने से मना करवाया जाएगा तो लोकतंत्र कैसे चलेगा। अगर देश में अदालत और वो भी सर्वोच्च अदालत, सर्वोच्च अदालत में भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, संवैधानिक बेंच, संवैधानिक पीठ, संवैधानिक अदालत पीठ के आदेश को मानने से ऐसे खुलेआम मना किया जाएगा तो देश में इस तरह से तो अफरा तफरी मच जाएगी। फिर इसमें लॉ कहां बचेगा, लॉ का राज कहां है, कानून का राज कहां रहेगा। हो सकता है किसी केंद्र को अच्छा ना लगाओ, हो सकता है एजी साहब को अच्छा ना लगाओ, हो सकता है कुछ ऑफिसर्स को अच्छा ना लगाओ, लेकिन अदालत के आदेश अच्छे लगने और नहीं लगने से सीमित थोड़ी होते हैं। अदालत के आदेश तो कानून से चलित होते हैं। अगर अदालत ने, संवैधानिक पीठ ने कोई आदेश दिया है तो उसको मानिए। दो साल पहले हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि दिल्ली सरकार के, दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पक्ष में आदेश नहीं था वो, इसके बावजूद हमने कहा था कि हम अदालत का सम्मान करते हुए हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, लेकिन उसको मानेंगे। अदालत के फैसले का तो तहे दिल से सम्मान करना ही पड़ता है, हर नागरिक को, हर संस्था को करना चाहिए। खुलेआम इस तरह से कैसे अवमानना कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के खंडपीठ ने कल, संवैधानिक पीठ ने कल तीन चीजें बड़ी स्पष्ट कर दी, मतलब दो चीजें स्पष्ट कर दी थी। पहला तो ये कि केंद्र सरकार की केवल तीन सब्जेक्ट पे पावर है, उसके अलावा केंद्र सरकार के पास में तीन सब्जेक्ट में इंटरवेंशन कानून बनाने के अलावा कोई पावर नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं लिखा, उन्होंने ये भी लिखा कि किसी अन्य सब्जेक्ट पे पावर नहीं है, ये भी स्पष्ट किया है। तीन सब्जेक्ट पे पावर है, किसी अन्य सब्जेक्ट पे पावर नहीं है। अन्य सब्जेक्ट यानी कि ट्रांसफर सब्जेक्ट पे तीन को छोड़ के, तीन रिजर्व सब्जेक्ट को छोड़ के सभी ट्रांसफर सब्जेक्ट पे पावर, एग्जीक्यूटिव पावर विधानसभा की है, दिल्ली के मंत्रिमंडल की है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है। सर्विस डिपार्टमेंट इसके बाद, सर्विस सेक्टर, सर्विस का जो सब्जेक्ट है, कल के आदेश के बाद सर्विस सब्जेक्ट का केंद्र सरकार के पास होने का कोई दूर दूर तक कहीं गुंजाइश नहीं बचती है। उसके बावजूद ऑफिसर्स अगर ये कह रहे हैं कि हम एमएचए के आदेश का क्वेश नहीं हुआ है इसलिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानेंगे, तो ये तो खुलेआम मानना है।